यश बाबू न्यूज, खबरें सुपर फास्ट। यश बाबू न्यूज। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार व इंद्री से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर नवजोत कश्यप पवार ने आज कांग्रेस पार्टी इंद्री के वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ इंद्री में प्रेस वार्ता के माध्यम से मनरेगा मजदूरों के लिए काम की मांग करते हुए कहा कि मनरेगा कानून 2005 मनरेगा मजदूरों को 100 दिन का रोजगार प्रतिवर्ष की गारंटी देता है। डॉक्टर सुनील पवार ने बताया कि हल्का इंद्री के मात्र कुछ गांवों में मजदूरों को काम मिले हैं व अधिकतर गांवों के मनरेगा मजदूर काम न मिलने के कारण आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। डॉक्टर सुनील पवार व डॉक्टर नवजोत कश्यप ने मांग की कि कोरोना महामारी के दौरान जहां सभी काम धंधे चौपट होने की कगार पर है, वहीं इन मनरेगा मजदूरों को 100 दिन की जगह 200 दिन का रोजगार प्रतिवर्ष देकर उन्हें इस भयानक परिस्थिति से बचाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि बहुत से मनरेगा मजदूरों के जॉब कार्ड नहीं बने हुए, तुरंत प्रभाव से ग्राम सचिव द्वारा उनके जॉब कार्ड गांव में ही बनवाए जाने चाहिए। डॉक्टर नवजोत कश्यप ने कहा कि मनरेगा में महिलाओं के साथ भेदभाव न करते हुए उनकी कार्य क्षमता के अनुसार उनको काम दिया जाना चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी का आज तक का मकसद रहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा अंतिम व्यक्ति की आवाज को उठाने का काम करती है, इस क्षेत्र के अंदर मनरेगा मजदूरों की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय बनी हुई है। पहले तो लॉकडाउन में कहीं भी उन लोगों को काम नहीं मिला, इक्का दुक्का जगह जहां पे काम मिला, हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी की टीम जब अलग अलग गांव के अंदर गई, मनरेगा मजदूरों ने बताया कि काम मांगने के बाद भी कुछ साथियों को सिर्फ 6 दिन का काम पहली बार दिया गया, और वो भी हमारी तमाम पंचायतों के 10% से ज़्यादा गांव में नहीं दिया गया। अगर मनरेगा मजदूरों के पास कोई वैकल्पिक काम भी नहीं है और इस लॉकडाउन में मनरेगा का काम भी उनको नहीं दिया जाएगा, और सबसे अहम बात बोलते हैं कि जहां रहबरी कातिल हो वहां फरियाद क्या करनी, हरियाणा प्रदेश के रहबर, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये सीधे तौर पर बोल ही दिया कि अब सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है। ये बातों बातों में उन्होंने संदेश दे दिया। ऐसी परिस्थिति के अंदर जब मनरेगा मजदूर, उनको पूरा काम 100 दिन का जो मनरेगा कानून 2005 के तहत लिखा गया है, काम नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर उनके घर के अंदर चूल्हा नहीं जल पाएगा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राजीव गांधी पंचायती राज संगठन ने मुहिम शुरू की कि काम मांगो अभियान ये पूरे हरियाणा के हर ज़िले हर ब्लॉक में शुरू किया जाएगा। उसी के तहत आज प्रारंभिक तौर पर 5 गांव के मनरेगा मजदूरों के काम मांगो अभियान की हम शुरुआत कर रहे हैं। हम गांव में गए, फॉर्मेट BDPO के नाम भरवाया, फॉर्मेट में उनके साइन, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, उनके जॉब कार्ड नंबर सभी भरे गए, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम अधिकारियों से मिलके उन लोगों को काम दिलाने की मांग करेंगे। और इस दौर में आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के दिशा निर्देशानुसार कांग्रेस पार्टी अर्थात विपक्ष ये मांग करता है कि इस लॉकडाउन के समय में 100 दिन की बजाय 200 दिन का काम वो मनरेगा मजदूरों को मिलना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी मांग ये भी है कि मनरेगा के अंदर जो महिला और पुरुष के अंदर भेदभाव होता है वो भेदभाव ये सरकार ना करे। अगर किसी गांव में लगता है, वो कहते हैं भी महिलाएं जो है इस काम को पूरा नहीं कर पाती, तो उनकी शारीरिक क्षमता देखते हुए उनको उस प्रकार का काम मुहैया करा जाए, लेकिन उनको वंचित ना रखा जाए। जहां पर मनरेगा के मजदूर काम करते हैं वहां पर चिकित्सीय सुविधा होनी चाहिए, छाया की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। मनरेगा मजदूरों को जो श्रमिक कार्ड, पिछले दिनों श्रमिक कार्ड से उनके नाम काट दिए गए, तो ये हमारी डिमांड है कि सरकार तुरंत प्रभाव से मनरेगा मजदूरों के जो श्रमिक कार्ड है वो उनको बना के दे, और तमाम सुविधाएं जो श्रमिक कार्ड की वो मजदूर को मिलती हैं वो इन मनरेगा मजदूरों को मिले। बहुत सारे गाँव के अंदर मनरेगा मजदूरों को आयुष्मान भारत का जो कार्ड बनता है
उससे वंचित रखा गया है। तो हमारी ये भी डिमांड है कि उन सभी मनरेगा मजदूरों का आयुष्मान कार्ड बने, और उस आयुष्मान कार्ड का जो छलावा मात्रा भी चल रहा है कि अभी बहुत कम जो बीमारियां हैं वो उसके अंदर कवर होती हैं, तो हमारी ये भी डिमांड है कि उस आयुष्मान भारत जो कार्ड है तो उसके अंदर सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं, चाहे उसमें बुखार है, चाहे खांसी जुकाम है, चाहे निमोनिया है, सिर्फ बड़ी बीमारियों के लिए ना होकर छोटी बीमारियों में भी फ्री मजदूर की चिकित्सा होनी चाहिए। आज की परिस्थितियों के अंदर भारत सरकार ने कहा कि 20 लाख करोड़ का पैकेज जो है वो भारतवर्ष के लिए हम राहत पैकेज के रूप में देते हैं, जिसमें से बताया कि लगभग 7.5-8 लाख करोड़ रुपए वो RBI की घोषणाएं थी, बचे हुए 12.5 लाख करोड़ रुपए में से बताया कि 4.5 लाख करोड़ रुपए वो हम बांट चुके हैं किसी न किसी तरीके से। अब 8 लाख करोड़ रुपए जो ये बताते हैं कि हमने और लोगों को राहत कोष में डालने हैं, तो हमारी ये भी डिमांड है कि सबसे पहले मनरेगा मजदूरों के खाते में 10,000 रुपये एकमुश्त ये सरकार डाले, और मनरेगा मजदूरों के साथ साथ जो भी नॉन टैक्स पे ही भारतीय है, हर भारतीय के खाते में एकमुश्त 10,000 रुपये ये सरकार डाले, ताकि जो लिक्विडिटी का सर्कल है वो मार्केट के अंदर बढ़े, और जो आर्थिक दशा और जो GDP आज हमारी 0 से भी कम जा रही है उसके अंदर सुधार आ सके। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों के आज भी कच्चे घर, कांग्रेस के समय में एक एक गांव के अंदर 50-50 से ज़्यादा जो गरीब मजदूर लोग थे उनके घर इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत बनाने के लिए ग्रांटें दी, लेकिन पिछले 6 साल में ग्रामीण अंचल के अंदर इस सरकार ने एक भी गरीब को वो आवासीय योजना का लाभ नहीं दिया। कि सब्जी की जो फसल है बड़ी मेहनत से उगाई जाती है, अगर उसको उसकी फसल खराब हो जाएगी और मुआवजा नहीं दिया जाएगा तो उसको चूल्हा जलना जो है मुश्किल हो जाएगा। तो सरकार ने आज से 4 साल पहले एक भावांतर योजना लागू की थी, और उस भावांतर योजना का लाभ हमारे क्षेत्र के एक भी किसान को आज तक नहीं मिला। अभी टमाटर की खेती, टमाटर की फसल हुई, टमाटर को बेचने के लिए जब किसान दिल्ली गया, एक किसान तो कोरोना से भी ग्रस्त रहा लेटेस्ट पता चला, और बाकी जितने किसान गए हैं उनको उनके टमाटर का जो दाम है वो कोड़ियों के भाव मिला, 1 रुपया किलो, 2 रुपया किलो, मैक्सिमम 3 रुपया किलो। तो इस परिस्थिति के अंदर सरकार अपनी भावांतर योजना का लाभ वो यहाँ के सब्जी के किसान को दे। मान लो 1 एकड़ के अंदर लागत 1 लाख की आई और उनका टमाटर बिका 60,000 रुपये का, तो बीच के 40,000 का जो घाटा उस किसान को हुआ है तो वो घाटा इस सरकार को पूर्ण करना चाहिए। इस लॉकडाउन की स्थिति के अंदर निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि बड़ा संवेदनशील होके हम सबको काम करना चाहिए, सरकार की हिदायतों का पालन करना चाहिए, डिस्टेंस मेंटेन करने का जो भी दिशा निर्देश, मास्क लगाने के जो दिशा निर्देश इस सरकार ने दिए प्रशासन की तरफ से मिले उसको मान्य करना चाहिए। कोरोना के समय में जो मजदूरों की स्थिति है, मनरेगा मजदूरों की स्थिति है, पहले से भयावह हो गई है, क्योंकि उनको पहले ही रोजगार नहीं मिल रहा था, इस समय में उनको रोजगार बिल्कुल ही मिलना बंद हो गया है। तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती कुमारी शैलजा जी, इन सब ने और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सभी ने एक ही मांग रखी थी कि जो मनरेगा मजदूर हैं उनकी स्थिति का जायजा लिया जाए, उनकी मांगों को आगे पहुंचाया जाए। तो एक बात अभी डॉक्टर साहब ने बताई कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, उनका जो रोजगार है उस हिसाब से नहीं मिल रहा, उनकी दिहाड़ी उस हिसाब से नहीं मिल रही। पहली बात, जो औरत 9 महीने तक अपने पेट में एक बच्चा लेकर सारा काम कर सकती है, तो क्या वो मिट्टी का बोझ नहीं उठा सकती? कोई भी पुरुष इतना वजन उठा के काम नहीं कर सकता जितना कि एक औरत कर सकती है।
तो उनके साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उनको उनकी दिहाड़ी पुरुषों के हिसाब से ही दी जानी चाहिए। यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज।